अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज जो हम वीडियो लेकर आए हैं वो है सेकंड ईयर की बैंकिंग सब्जेक्ट की। तो हम इस सब बैंकिंग के अंदर हम चैप्टर नंबर 2 कवर करने वाले हैं। तो जो हमारा चैप्टर है वो है हमारे पास बैंकिंग सिस्टम एंड काइंड्स। तो ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है। तो अब इस चैप्टर को मद्देनजर रखते हुए मैंने इस चैप्टर के 3 पार्ट्स बना दिए ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। इट मींस मैंने इस चैप्टर को 3 वीडियोस में तोड़ दिया है और 3 पार्ट्स बना दिए मैंने इसके। तो आज जो हम अपना पहला पार्ट कवर करने वाले हैं, इसके अंदर हमारी जो काफ़ी सारी चीज़ें हैं हम वो कवर करेंगे। तो फिर आइए स्टार्ट करते हैं। तो अब बात कर लेते हैं अपने चैप्टर की। तो हमारा जो चैप्टर नंबर 2 हम कवर करने वाले हैं वो अपने अमीन खालिद की बुक में से कवर करने वाले हैं। तो जो चैप्टर नंबर 1 किया था वो भी हमने अमीन खालिद से किया था, तो अब हम चैप्टर 2 भी जो है वो इसी से ही करेंगे। तो अब सबसे पहले जो चैप्टर में हमारे पास है वो हमारे पास काइंड्स आ जाती हैं। बैंकिंग की जो काइंड्स होती हैं वो हमारे पास आ जाती हैं। इस हिसाब में हमारे पास 7 काइंड्स की विन है। तो मैं 1 by 1 आपको बताता हूँ कि काइंड्स कौन कौन सी हैं, फिर उसके बाद इसको थोड़ा सा और समझेंगे। तो जो हमारी पहली काइंड है वो है हमारे पास कमर्शियल बैंक, नंबर बी पे हमारे पास है सेंट्रल बैंक, और जो हमारे पास तीसरी काइंड है वो है हमारे पास इंडस्ट्रियल बैंक, और नंबर 4 पे हमारे पास है एग्रीकल्चरल बैंक, नंबर 5 पे जो है हमारे पास वो है सेविंग बैंक, और नंबर 6 पे हमारे पास है एक्सचेंज बैंक, और नंबर 7 पे हमारे पास है मॉर्गेज बैंक। तो ये हमारे पास 7 काइंड्स की विन है। तो अब हम इसको एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं कि ये कौन कौन सी काइंड्स होती हैं और इनके क्या मकसद हैं होने के इनके। तो अब अपनी जो सबसे पहली काइंड थी हम कमर्शियल बैंक की, उसके ऊपर आ जाते हैं। अब देखते हैं कमर्शियल बैंक क्या होता है। अब मैं यहाँ पर इसकी एक डेफिनेशन लगा देता हूँ, या फिर मैं एक काम करता हूँ आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि क्या है, फिर उसके बाद आप समझ लीजिएगा, मैं समझा देता हूँ आपको। कमर्शियल बैंक रिसीव डिपॉजिट्स एंड एडवांस लोन टू प्रमोट बिजनेस एंड कॉमर्स। ये एक सबसे आसान डेफिनेशन है। ये मैंने कुछ आपकी बुक में से वर्ड लिख के लिए हैं और कुछ मैंने अपने वर्ड्स को मिलाकर एक अच्छी डेफिनेशन बनाई है। ये आप पेपर में लिखेंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। ये एक छोटी सी डेफिनेशन है, ये याद करने के भी काम आएगी आपके। तो अभी यहाँ पे लिखा हुआ है कमर्शियल बैंक रिसीव डिपॉजिट एंड एडवांस लोन टू प्रमोट बिजनेस एंड कॉमर्स। तो अब ये जो कमर्शियल बैंक होता है ये लोन रिसीव कर लोगों को देता है, और क्या कहते हैं ये डिपॉजिट भी करता है अपने पास, जो पैसे लोग अपने लाकर बैंक में डिपॉजिट कराते हैं। मिसाल के तौर पे अब हमारे पास काफ़ी सारे कमर्शियल बैंक्स आ जाते हैं। तो हमारे पास इसके एग्जांपल्स में जो बैंक हैं वो हमारे जितने भी गवर्नमेंट बैंक्स आ जाते हैं, हबीब बैंक हो गया हमारा नेशनल बैंक हो गया। ये जो बैंक्स हैं ये कमर्शियल बैंक कहलाते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं, अपने पैसे हम डिपॉजिट कराते हैं और ये हमें लोन प्रोवाइड करता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट काम करता है। अब हम ये देख लेते हैं कि इनके काम क्या होते हैं। अब मेरे पास यहाँ पर वर्किंग के अंदर हमारे पास ऑप्शन है कि ये जो है मेकिंग पेमेंट अगेंस्ट चेक, ये पेमेंट करते हैं चेक के थ्रू। इट मीन्स जैसे मिसाल के तौर पे अगर मेरा कमर्शियल बैंक में अकाउंट है, मुझे किसी को पेमेंट करनी है तो मैं चेक इशू करके दूंगा, तो वो बंदा चेक के थ्रू पेमेंट को निकलवा सकता है या फिर अपनी पेमेंट ले सकता है बैंक के जरिए। तो एक तो काम ये करता है। अब ये लोन भी देता है, लिखा हुआ है एडवांसिंग लोन्स एंड ओवरड्राफ्ट। ये लोन्स भी देता है, जिस तरह अभी मैंने आपको बताया कि कमर्शियल बैंक जो है वो आम सिविलियंस को लोन भी देता है कुछ किसी मार्कअप की बुनियाद पे, तो ये एक लोन्स भी देता है। और हमारे पास लास्ट जो ये काम एक और करता है वो है लेटर इशूइंग ऑफ अ क्रेडिट। मतलब ये वही है कि मिसाल के तौर पे कि आप लोगों के पास क्रेडिट कार्ड होगा या फिर आपके पास डेबिट कार्ड होगा, जो कि कमर्शियल बैंक भी इशू करता है। तो अब हमें समझ आ गया कि कमर्शियल बैंक क्या होता है, कि मतलब वो लोन्स हमें प्रोवाइड करता है, हम इसके अंदर अपने पैसे रख सकते हैं, वो हमें क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो ये कमर्शियल बैंक होते हैं, और इसके एग्जांपल्स में हमारे पास आ जाते हैं हबीब बैंक हो गया, हमारे पास नेशनल बैंक हो गया, हमारे पास यूनाइटेड बैंक हो गया, तो काफ़ी सारे इसके अंदर बैंक्स आ जाते हैं। तो अब ये हमें थोड़ा सा समझ आया कि हमारे पास कमर्शियल बैंक क्या होता है। अब जो दूसरा बैंक हमारे पास है, वो जो हमारी दूसरी काइंड थी, वो दूसरी काइंड थी हमारे पास सेंट्रल बैंक की। अब ये सेंट्रल बैंक क्या होता है, आपने काफ़ी बार ये नाम सुना होगा कि सेंट्रल बैंक कोई चीज़ होती है। तो अब इसकी डेफिनेशन मैं आपको फिर से सुना देता हूँ। इट इज़ द बैंक विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री। मतलब जिस तरह मैं आपको कह रहा हूँ कि सेंट्रल बैंक एक किसी भी मुल्क का हब होता है, कि वो जो सेंट्रल बैंक होता है वो पूरे मुल्क की मईशत को कंट्रोल कर रहा होता है। जिस तरह अभी डेफिनेशन में आप लोगों ने पढ़ा कि यहाँ पर लास्ट लाइन में लिखा हुआ है कि फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री, ये जो सेंट्रल बैंक होता है ये पूरे मुल्क की इकोनॉमी को स्टेबल करके रखता है। मतलब पूरी इकोनॉमी जो होती है ये बेस्ड ही इसके ऊपर करती है, क्योंकि सारे जो अकाउंट्स होते हैं वो सब कुछ सेंट्रल बैंक के पास होते हैं, जिनके सबसे टॉप पर जो आता है मुल्क के जो नंबर जो एक मेन बैंक होता है इसको सेंट्रल बैंक कहते हैं, उससे नीचे आता है
कमर्शियल बैंक, उससे फिर लास्ट पे आता है प्राइवेटाइज बैंक, जो फिर आम जो वो होते हैं ओनर्स जो अपनी बिहाफ पे चला रहे होते हैं, तो ये बैंक होता है। अब बात कर लेते हैं कि इसकी एग्जांपल के ऊपर, तो इसके अंदर एग्जांपल में तो एक ही बैंक आ जाता है जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, तो एक ही बैंक है जो हमारा जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ये सबको सर्विसेज प्रोवाइड करता है। अच्छा, जो एक मेन काम जो स्टेट बैंक जो करता है हमारा, वो नोट्स एंड करेंसीज जो होती हैं वो इशू जो करता है, जो वो भी स्टेट बैंक ही करता है हमारा काम। तो एक मेन काम है जो स्टेट बैंक करता है, जहाँ जितनी भी करेंसी होती है वो, जितनी भी उसकी मोनोपोली होती है वो सारी स्टेट बैंक करता है। तो अब ये एक ही हमारे पास बैंक है स्टेट बैंक का, तो अब उम्मीद है आपको ये स्टेट बैंक भी समझ आ गया होगा। तो अब हम आगे अपनी अगली काइंड के ऊपर बढ़ते हैं, जो कि है हमारी इंडस्ट्रियल बैंक। अभी इंडस्ट्रियल बैंक क्या होता है, डेफिनेशन आपको सुना देता हूँ एक बार। इंडस्ट्रियल बैंक ऑफर वैल्यूएबल सर्विसेज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज इन द कंट्री। नाम में ही काम छुपा है, इंडस्ट्रियल बैंक का मतलब क्या है कि वो जितनी भी हमारे मुल्क के अंदर इंडस्ट्रीज हैं उनको सपोर्ट करने के लिए बना होगा। तो हमारे पास जितनी भी इंडस्ट्रीज होती हैं उनको अगर लोन चाहिए होता है तो वो इंडस्ट्रियल बैंक से रब्ता करती हैं। तो इसकी वर्किंग क्या है, तो वर्किंग के अंदर ये इंडस्ट्रियल बैंक क्या करता है, वो जिस तरह मैंने आपको बताया कि लॉन्ग टर्म के अंदर जो इंडस्ट्रियल्स के जो इंडस्ट्रियल चला रहे होते हैं उनके ओनर्स को लोन प्रोवाइड करता है। तो ये एक इसका मेन काम है। और इसकी एग्जाम्पल्स में हमारे पास आ जाते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, एक मेन इदारा है जो जो इंडस्ट्रीज को लोन प्रोवाइड करता है। तो ये आप ये पेपर में भी आपसे पूछा जा सकता है कि ये कौन सा एक मेन इदारा है जो जो इंडस्ट्रीज को लोन प्रोवाइड करता है। तो आपने याद रखना है कि डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो है ये एक मेन इदारा है जो इंडस्ट्रीज के ओनर्स को लोन प्रोवाइड करता है लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर। तो ये छोटा सा था इंडस्ट्रियल बैंक। इसके बाद जो हमारे पास फोर्थ वन है हमारे पास, वो एग्रीकल्चर बैंक है। तो अब आप इसके नाम से समझ गए होंगे कि ये किसको लोन प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ये एक फार्मर्स को लोन प्रोवाइड किया जाता है। एग्रीकल्चर बैंक जो होता है वो फार्मर्स के लिए होता है कि वो सीड परचेज कर सकें या मशीन्स परचेज कर सकें, टूल्स परचेज कर सकें, क्योंकि उनका इतना बजट नहीं होता, वो लोन बेसिस पे या क्रेडिट बेसिस पे ही काम कर रहे होते हैं। तो उनके लिए हुकूमत एक अलग बैंक बनाती है जिसको एग्रीकल्चर बैंक कहते हैं। इसकी डेफिनेशन मैं यहाँ लगा दूंगा क्योंकि काफी लंबी हो जाएगी फिर। तो ये बहुत आसान सी एक काइंड थी, तो ये आप खुद भी समझ सकते हैं। एग्जाम्पल में इसकी नॉर्मल बैंक आ जाते हैं, क्योंकि कोई भी बैंक अगर किसी के पास पे जाएंगे आप बैंक पे, चाहे वो प्राइवेटाइज हो या फिर कमर्शियल बैंक हो या फिर स्टेट बैंक हो, जिसके पास पे जाएंगे वो आपको एग्रीकल्चर बैंक के थ्रू वो आपको पैसे दे सकते हैं, मतलब एग्रीकल्चर काइंड के थ्रू आपको पैसे दे सकते हैं फार्मिंग के लिए। उसके अंदर आपके परचेजेस के लिए आपके ट्रक वगैरह आ जाते हैं, जो फार्मिंग के अंदर आपकी जो चीजें इस्तेमाल होती हैं वो सारी आ जाती हैं उसके अंदर। तो बहुत आसान सी काइंड थी वाली। अब इसके बाद जो हमारी फिफ्थ काइंड है वो है हमारी सेविंग बैंक। अब सेविंग आप लोगों में से काफी लोग करते होंगे सेविंग, और कुछ लोग बैंक्स में भी करते होंगे। तो बैंक्स के अंदर इसकी डेफिनेशन में यहाँ लगा दूंगा, सेविंग बैंक नॉर्मल बैंक होता है जिसे इसके अंदर कमर्शियल भी आ जाते हैं, प्राइवेटाइज बैंक भी आ जाते हैं, जिसके अंदर आप अपनी सेविंग कर रहे होते हैं। अब इसका कोई काम जो है वो ये होता है कि मिसाल के तौर पर कुछ बैंक ऐसे होते हैं कमर्शियल के अंदर, कमर्शियल बैंक की बात कर रहा हूँ मैं ये, कि आपकी जो सेविंग के ऊपर वो आपको इंटरेस्ट या प्रॉफिट देते हैं। तो अब जैसे मिसाल के तौर पे कि मैंने कुछ अमाउंट अपना, कुछ भी कितना भी अमाउंट हो सकता है वो, मैंने एक बैंक में जमा कराया, मैंने इन्वेस्ट किया उसके अंदर, तो एक स्पेसिफिक पीरियड के ऊपर मुझे कुछ इंटरेस्ट मिलेगा या फिर प्रॉफिट मिलेगा। वो कैसे मिलेगा, आपने ये सुना होगा कि ये पैसे कैसे मिल रहे हैं आपको, मतलब आपने पैसे जमा कराया और पैसे बढ़ के मिल रहे हैं। असल में बैंक करता क्या है, वो आपके पैसे को किसी दूसरी जगह पे इन्वेस्ट कर देता है और उसका कुछ परसेंट जो बैंक ऑफ प्रॉफिट होता है वो कुछ परसेंट वो आपको भी दे देता है। तो उसको प्रॉफिट कहते हैं और इंटरेस्ट भी कहते हैं उसको। तो ये एक सेविंग बैंक का काम होता है कि आप, और ये ज्यादातर किया जाता है कमर्शियल बैंक्स के अंदर, क्योंकि प्राइवेटाइज बैंक बहुत कम होते हैं जो ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं, वरना कमर्शियल बैंक जो होते हैं वो प्रोवाइड करते ही करते हैं, इंटरेस्ट और प्रॉफिट का जो पॉलिसी उनकी वो होती ही है। तो उसके एग्जाम्पल के अंदर मैंने आपको बताया कि कमर्शियल बैंक ही आते हैं ज्यादातर, प्राइवेटाइज बैंक बहुत कम होते हैं जो प्रॉफिट और इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो अब जो नंबर सिक्स पे हमारे पास है एक्सचेंज बैंक। अब एक्सचेंज बैंक की डेफिनेशन थोड़ी सी मैं पढ़ के सुनाता हूँ, क्योंकि ये काफी लोगों को परेशानी होती है एक्सचेंज बैंक कौन सा होता है। तो इट डील्स इन फॉरेन एक्सचेंज एंड इन इन्वॉल्व इन फॉरेन ट्रेड। अब आपको समझ आ गया होगा डेफिनेशन सुनते ही कि जो एक्सचेंज बैंक होता है ये डायरेक्ट रिलेट करता है फॉरेन एक्सचेंज से। जितनी भी बाहर से चीजें आ रही होती हैं या फिर जा रही होती हैं वो सारी जो उसके अंदर जितनी भी पैसा लगता है, जो भी उसके अंदर इन्वेस्टमेंट होती है वो एक्सचेंज बैंक के थ्रू होती है। तो अब एक्सचेंज बैंक जो है वो करता क्या है, अब इसकी वर्किंग के बारे में अगर हम देखें तो एक्सचेंज बैंक जो है वो मदद करता है इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स की, जो वो चीज खरीदते हैं उसको मार्केट प्राइस के ऊपर उनको परचेज करने पे और सेल करने पे मदद करता है उनको। तो ये एक्सचेंज बैंक का काम है। इसके अंदर एग्जांपल्स में हमारे पास आ जाती हैं, इसके अंदर कमर्शियल बैंक्स आ जाते हैं ज्यादा,
जो उनको मदद करते हैं, और मनी एक्सचेंजर्स आ जाते हैं। जो मनी एक्सचेंजर्स कौन होते हैं, जो आपकी करेंसी को कन्वर्ट करके दे रहे होते हैं, वो काम आ जाते हैं। वो क्यों? क्योंकि वो आपकी पैसे जो हैं, आप किसी भी कंट्री से आप इम्पोर्ट कर रहे हो या एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो वो आपकी हेल्प इसलिए करते हैं कि आपकी करेंसी को कन्वर्ट करके दे देते हैं, और एट अ मार्केट प्राइस के ऊपर करके देते हैं, कि जो मार्केट प्राइस चल रही होती है उसके ऊपर वो आपको कहाँ आपकी जो प्रोडक्ट है और जो आप सेल कर रहे हैं या परचेज कर रहे हैं उसको वो परचेज करके या सेल करके करने में मदद करते हैं आपकी। तो एक ये छोटी सी कारंटी एक्सचेंज की ये आपको समझना थोड़ी जरूरी थी, क्योंकि ज्यादातर ये पूछी जाती है एक्सचेंज की, तो मैंने आपको थोड़ी सी समझा दी एक्सचेंज की। तो जो हमारी लास्ट है वो है मॉर्गेज की। तो अब मॉर्गेज का लफ्ज आपने काफी बार सुना होगा और कुछ लोगों को पता भी होगा कि मॉर्गेज क्या होता है। मॉर्गेज एक बैंक की एक ऐसी पॉलिसी होती है कि अगर आपने बैंक से लोन लिया और अगर आप उसको चुका नहीं पाए, मतलब आप उसको रिटर्न नहीं कर पाए, तो बैंक आपसे जिस चीज को आपने परचेज किया होता है बैंक से लोन लेकर, उसको वो अपने पास मॉर्गेज कर लेती है, मतलब अपने पास जब्त कर लेती है। तो मॉर्गेज उसको कहते हैं। तो मैं डेफिनेशन यहां लगा देता हूँ, आप एक बार खुद पढ़ लीजिएगा, बल्कि मैं एक आपको पढ़ के सुना देता हूँ। इट इज द बैंक डेट कमांड्स द कैपिटल थ्रू डिपॉजिट एंड डीलिंग इन शेयर्स एंड बॉन्ड्स। मतलब आप बैंक से लोन लेकर कुछ भी चीज परचेज करेंगे, अगर आप स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे जितना बैंक ने बैंक की और आपकी डील हुई है उस टाइम पीरियड पे अगर आप नहीं लौटाते बैंक को, तो बैंक आपसे वो चीज जो आपने चीज परचेज की है उस बैंक के लोन से, तो वो आपको मॉर्गेज कर लेती है, वो मतलब वो अपने पास जब्त कर लेती है। मॉर्गेज के अंदर जो टाइम पीरियड होता है वो 1 से 30 साल तक का हो जाता है, मतलब वो बैंक के ऊपर होता है कि उसने आपको कितना टाइम दिया है, कितनी आपकी डेडलाइन है, कि आपको कब तक आपकी जो आपके क्या कहते हैं आपको लोन दिया है वो आपको वापस करना है। तो इसके अंदर जो एग्जाम्पल्स आ जाती हैं उसके अंदर वो कमर्शियल बैंक आ जाते हैं, क्योंकि कमर्शियल बैंक ही ज्यादातर एक्शन लेते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी बड़ी बड़ी डीलिंग हो रही होती है वो ज्यादातर क्रेडिट पे हो रही होती है। तो ज्यादातर लोग लोन लेकर चीज दे रहे होते हैं, या फिर किसी को मिसाल के तौर पर किसी को अगर इंडस्ट्री लगानी है अपने, तो वो स्टेट बैंक से या कमर्शियल बैंक से लोन लेकर लगाए, कोई 1 अरब या 2 अरब उसके पास अभी अवेलेबल नहीं होते, तो वो लोन पे ही काम होता है। तो इसलिए इसके अंदर वहां पर मॉर्गेज पॉलिसी भी होती है उनकी, कि अगर वो बंदा जो लोन ले रहा है वो लौटा नहीं पाता, तो वो उसकी कोई ना कोई चीज जिसके ऊपर बात हुई होती है, मतलब जिस पे एग्रीमेंट हुआ है, वो उस बैंक जो है वो जब्त कर लेता है। तो इसे कहते हैं मॉर्गेज काइंड। तो ये हमारी 7 काइंड हमारी पूरी हो चुकी है, तो ये 7 काइंड थी। तो अब हमारा चैप्टर का जो पार्ट 1 है वो यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। तो अब जो हमारा पार्ट 2 है वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे अपना। उम्मीद है ये जो सब कुछ है ये आपको समझ आ गया होगा, हमारी 7 काइंड से बहुत आसान काइंड से। अगर आपको फिर भी कुछ प्रॉब्लम्स है तो आप वीडियो को दोबारा से स्टार्ट करके समझ सकते हैं, और मैंने काफी आपको डीपली समझा दिया है, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। तो बस दीजिए मुझे आज के लिए इजाजत, मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में किसी नए चैप्टर के साथ। अल्लाह हाफिज़।